अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिला किसान कांग्रेस कमेटी रीवा के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू की अगुवाई में कटरा बाईपास स्थित कालवारी मोड़ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सांसद सदस्य, राज्यसभा विवेक कृष्ण तनखा का भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि विवेक तनखा एक दिवसीय प्रसार पर सड़क मार्ग से इलाहाबाद होकर रीवा आ रहे थे। किसान कांग्रेस के जिला रीवा के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कलवारी मोड़ में भव्य स्वागत किया। विवेक तनखा के साथ जाने माने चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ वाईके मिश्रा भी थे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने वहां उपस्थित लोगों से परिचय प्राप्त किया और संबोधित करते हुए कहा कि मेरा लगाव रीवा और रीवा के आम जनों के प्रति हमेशा रहा है। मैं आपके स्वागत में अभिभूत हूँ। मेरे द्वारा रीवा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु शेड का निर्माण सांसद निधि से कराया गया है। चिरहुला कॉलोनी में पार्क निर्माण हेतु राशि प्रदान की गई है और कल दिनांक को सिंधु भवन रीवा में मेरी संस्था और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। उसी तारतम्य में मेरा रीवा आगमन हुआ है। मैं रीवा और रीवा के आमजनों के लिए सदैव तत्पर हूँ और रहूंगा। मेरे लायक जो भी होगा मैं करूँगा। तो एक बहुत बड़ा नाम है आदरणीय विवेक तनखा जी का। उनके द्वारा कुछ राशि अपने सांसद निधि से जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा में प्रदान की गई थी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए, जिसके सेट का निर्माण हुआ है उसका शुभारंभ आदरणीय तनखा जी करेंगे। दूसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदरणीय तनखा जी के पिताजी भी जस्टिस थे, उनकी याद में आदरणीय तनखा जी द्वारा जिस ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे गरीब बच्चे जिनके हृदय में दिल में छेद रहता है, ये कम उम्र के बच्चे 5 से 17, 16, 17, 18 साल तक के बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है, इनके ट्रस्ट और इनके सेवा संस्थान द्वारा उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी अपील करता हूं कि अगर अपने पहचान में आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बालक इस बीमारी से जूझ रहा हो तो उसका इलाज भी आप मुझसे बताएं, निशुल्क उसका इलाज कराया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे विकलांग लोग हैं जिन्हें ट्राई साइकिल की आवश्यकता है या बैटरी वाली साइकिल की आवश्यकता है या जिनको सुनने में तकलीफ है और कान वाली मशीन चाहिए, हाँ यह बात जरूर है कि उनका मेडिकल प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, उसका वितरण भी कल आदरणीय तनखा जी द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है तनखा जी द्वारा और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला रीवा द्वारा उसमें निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पुनः कहता हूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो कल जो भी कार्य का समय होता है 10:30 से 5:30 के बीच सिंधु भवन में कार्यक्रम है वहां पे उपस्थित हो। मैंने कुछ दिन पूर्व भी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ मैंने ये सूचना डाली थी कि अगर किसी के संपर्क में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा बालक है या विकलांग कोई है तो मुझसे संपर्क करें, अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी और संपर्क नंबर मुझे प्रदान करें। अगर उनको जाने की सुविधा भी नहीं है तो ये सुविधा भी मेरे द्वारा, चूंकि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी का मैं भी चेयरमैन हूँ, तो मेरे द्वारा वो प्रदान की जाएगी।
तो अभी एक दिन का समय है, आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति हो तो मुझे जानकारी दे, उसको कल रीवा पहुंचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हमारे बीच में डॉक्टर भूतिया जी उपस्थित हुए हैं, वह उनका किसान कांग्रेस और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ।